आज हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, साथ में आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर भी ध्यान देंगे। और इस अगर पैटर्न को आप भी अपनाते हैं, इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, तो मैक्सिमम वेट लॉस कर सकते हैं बिना उछले कूदे, बिना कोई हार्ड एक्सरसाइज के, सिर्फ बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थी टीम आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वज्रासन में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और देखिए, यकीन मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उछल कूदना पसंद नहीं करते, उनकी बॉडी में पेन होने लगता है या फिर उनके और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आज हम इस तरीके से बैठ के ही एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप कोई बात नहीं, आप लोग आलती पालती मार के इस तरीके से बैठ जाइए। और ऐसे भी बेड पे बैठ सकते हैं, अगर आलती पालती अच्छे से नहीं मार सकते हैं तो इस तरीके से आप बैठ जाइए, अपनी लेग्स को थोड़ा सा खोल के, ताकि आप आराम से बैठ सके और तभी एक्सरसाइज करिए। और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, इन एक्सरसाइज को करते हुए कैसे कैसे हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं आ जाती हूँ वज्रासन में। जो लोग जिनके नी में प्रॉब्लम नहीं है वो वज्रासन में बैठ के ही करें, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी, स्पेशल बैली के लिए। पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। अगर कोई इशू है, अफारा आता है आपको, अच्छा मतलब खाना जब खाते हैं अच्छे से आपका हजम नहीं होता है, ऐसा लगता है कि डकारें आ रही है, तो उससे भी आप राहत पा सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं किस तरीके से करनी है। सबसे पहले अपने कंधों के ऊपर हाथों को रखेंगे, इस तरीके से नहीं घुमाएंगे, ये तो सर्वाइकल के लिए होती है। तो आपको कंधों पे हाथ रखना है, और कंधों पे हाथ रख के आपको साइड टू साइड इस तरीके से सांस छोड़ते हुए बीच में जब आए सांस भरा, साइड में गई तो सांस छोड़ दिया। कम से कम 30 सेकंड के लिए टाइम देखते रहिए और 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट मूवमेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट मूवमेंट आपको हाथों को इस तरीके से ही रखना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को रोटेट करना है सांस छोड़ते हुए। बीच में आएंगे सांस लेंगे, साइड में जाएंगे सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट में आपको क्या करना है, अगर आप थक रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर से आपको कंधों के ऊपर हाथ रखना है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ को ऐसे पीछे रखना है सांस छोड़ते हुए इस तरीके से, ऐसे, फिर वापस, फिर दूसरे हाथ को पीछे रखना है, फिर वापस। सेकेंड के लिए कंटिन्यू करेंगे। कमर को सीधी रखने की कोशिश करना है, ऐसे ना हो बिल्कुल आप ऐसे ऐसे होते चले जाएं, सीधा रखें अपनी कमर को जितना आप रख सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट में आपको क्या करना है कि अपने हाथों को इस तरीके से रखिए। अब आपको साइड, अपने साइड में अपने हाथ से, एक हाथ से टच करना है, एक हाथ आपका ऊपर जाएगा, तो जब आप टच करेंगे तो सांस को छोड़ना है इस तरीके से। और ये ध्यान रखना है, कुछ लोग मुंह से ही सांस लेने लगते हैं, मुंह से ही छोड़ने लगते हैं। मुंह से छोड़ेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और नाक से सांस लेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट में आपको क्या करना है, अब आगे पीछे टच करना है इस तरीके से।
अब नेक्स्ट मूवमेंट सीधा हाथ रखेंगे और इस तरीके से आप टच नहीं करना है, अब सीधा इस तरीके से बॉडी को बस साइड टू साइड आपको रोटेट करना है ऐसे। इसमें ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग होनी ही चाहिए, ऐसे नहीं कि नॉर्मल आप टीवी देख रहे हो और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ब्रीदिंग होगी तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बीच में आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से हाथों को रखकर रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे जो हमारा लास्ट मूवमेंट है वो रह गया है, तो उसको देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो ऐसे ही हाथों को सीधा करना है और साइड टू साइड, अब की बार पीछे जमीन के ऊपर नहीं लगाना, ऐसे साइड में ले जाना है, हाथ को ऐसे रोटेट करना है सांस छोड़ते हुए। पीछे दीवार थोड़ा टच हो रही थी मुझे, इसलिए मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप थोड़ा दीवार से आगे होके करने ताकि आप खुला अपना जो हैंड्स है उसको खुले तरीके से आप रेज कर सकें। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आप वज्रासन से उठ जाएंगे और नॉर्मल तरीके से अपनी लेग्स को फैला लेंगे और थोड़ा सा अपनी लेग्स को भी रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। एकदम से उठ के नहीं चलेंगे, एकदम से खड़ा नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी देर तक हम वज्रासन में बैठे तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाता है। तो सबसे पहले ब्लड का सर्कुलेशन अपनी लेग्स में फिर से नॉर्मल करेंगे, अपनी लेग्स को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इस तरीके से, थोड़ा हिला लेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल जो भी घर के काम है उनको कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।